व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक टर्मरिक यानी कि हल्दी के बेनिफिट्स के हवाले से है। हल्दी को सदियों से हम मसाले के तौर पर तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसको स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप जानते होंगे कि इसको उबटन में भी यूज़ किया जाता है, उबटन का एक अहम पार्ट समझा जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको टर्मरिक फेशियल करना सिखाऊँगी। मैंने अपने चैनल पर फॉल आर रेडी फेशियल वीडियो अपलोड की हुई है। स्किन को क्लियर और ग्लोई बनाने के लिए आपको 15 दिन बाद फेशियल ज़रूर करना चाहिए। अगर वो फेशियल नेचुरल प्रोडक्ट से किया जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और आपकी स्किन भी ब्यूटीफुल हो जाती है। और वो फेशियल अगर हल्दी से किया जाए तो इससे आपके पिगमेंटेशन, डार्कनेस वगैरह भी रिमूव हो जाती है, क्योंकि हल्दी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमारी स्किन को फेयर बनाती हैं। ये हमारी स्किन के कम्प्लेक्शन को डे बाय डे फेयर बना देती हैं। डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और एक्नी पिंपल्स को भी रिड्यूस कर देती हैं। ये हमारी स्किन को शाइनिंग एंड ग्लोई बना देती हैं। आज का फेशियल करने के लिए 4 स्टेप यूज़ होंगे, तो चलते हैं आज के फर्स्ट स्टेप यानी कि क्लिनजिंग की तरफ। इसके लिए आपने 1 टेबल स्पून हनी लेना होगा और 1 टेबल स्पून आपने रॉ मिल्क, कच्चा दूध ऐड करना है। और पिंच ऑफ टर्मरिक यानी कि एक चुटकी हल्दी की ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कॉटन पैड की मदद से आपने पूरे फेस को क्लीन कर लीजिए। रॉ मिल्क और हल्दी हमारी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे। 2 से 4 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून आपने लेमन जूस के ऐड करने हैं और 1 टेबल स्पून आपने टर्मरिक यानी कि हल्दी का ऐड करना है। फिर इन तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रब करना है, क्योंकि स्क्रब करने से डेड स्किन रिमूव हो जाती है, हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है। कॉफ़ी एक बहुत अच्छा स्क्रब के तौर पर भी काम करेगा और टर्मरिक हमारी स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट से रिमूव करके हमारी स्किन को वाइटनिंग एंड ग्लोई बनाएगा, को भी रिमूव करेगा, हमारी स्किन को वाइटनिंग ब्राइट बनाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए स्क्रब करने के बाद आपने नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। 1 स्पून एलोवेरा जेल ऐड करनी है। पिंच ऑफ टर्मरिक के ऐड करना है यानी कि हल्दी की ऐड करनी है और 2 से 3 ड्रॉप आपने एलमंड ऑयल के यूज़ करने हैं। फिर इन तमाम को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने 15 से 10 मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज करना है। आपको जितनी मसाज की तकनीक पता है आपने वो अप्लाई कर लेनी है, वरना सर्कुलर मोशन में आपने अपर डायरेक्शन में आपने मसाज करना होगा, क्योंकि मसाज करने से हमारी स्किन टोन लाइटन होती है, ब्राइट होती है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, हमारा फेस ग्लो करने लग जाता है और मसाज करने से फाइन लाइन्स और रिंकल को भी बहुत दूर कर देता है। 15 से 20 मिनट के लिए मसाज करने के बाद आपने नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। बनाएंगे जो कि डल और डैमेज स्किन के लिए स्पेशली होगा, क्योंकि इससे ना आपका हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, पिंपल, एक्नी के स्पॉट भी हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे। इसके लिए आपने आपने पिंच ऑफ टर्मरिक लेनी है, आपने 1 टेबल स्पून हनी के ऐड करने हैं और आपने 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क ऐड करना है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, तो आपने इसकी जगह पे अरके गुलाब का ऐड करना है और 1 टेबल स्पून आपने मसूर दाल का पाउडर ऐड करना है। फिर इस फेस पैक को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर 25 से 30 मिनट के लिए ये फेस पैक अप्लाई कर लेना है। इसमें मसूर दाल का पाउडर ऐड किया गया है, जो कि हमारी स्किन को दाग धब्बों से दूर करेगा, हमारी स्किन को ग्लोई बनाएगा और टर्मरिक हमारे जो डार्क स्पॉट हैं, पिगमेंटेशन वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये फेस पैक दाग धब्बे दूर करेगा और हमारी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोई बनाने में हेल्प करेगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।